बहुत ही सॉलिड ट्रेनिंग होने जा रही है दयानंद जी। खाना खाते हुए सिर्फ खाना अंदर जाएगा, ट्रेनिंग अंदर नहीं जाएगी। या तो अपना वीडियो बंद करके खाइए सर, वरना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लर्निंग के मोड में बैठिए फ्रेंड्स। अगर लर्निंग के लिए आप लर्निंग के लिए तैयार होकर नहीं बैठे हैं, तो फिर इस ट्रेनिंग के अंदर आने का आपका कोई फायदा नहीं है। आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, पहले भी मैं इस ट्रेनिंग को हम लोग कर चुके हैं और इसको हमने एक्सपीरियंस किया है फील्ड में काम करके। जो पर्सनली चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से आप कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। बिजनेस लर्निंग के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए आज की ट्रेनिंग के लिए। आप में से मैं चलता हूँ आपको ट्रेनिंग की तरफ लेकर फ्रेंड्स। स्क्रीन विजिबल है विशाल सर पूरी तरह से? थैंक अब बिल्कुल विजिबल है कंप्लीट। यू, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए फिर, जैसे मैंने अक्सर मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि पेन डायरी लेकर बैठिए, क्योंकि नोट्स तब काम नहीं आते जब आप बनाते हैं। नोट्स हमेशा तब काम आते हैं जब हम किसी को सिखाते हैं। आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे लीडर्स की ट्रेनिंग्स को देखा, उसमें से नोट्स बनाए और नोट्स को बनाकर एक कंपाइल्ड ट्रेनिंग सेशन बनाया। हम में से बहुत सारे लोग वेस्टिज में जुड़े हुए हैं। हमेशा वेस्टिज में दो तरह के लोग काम करते हैं फ्रेंड्स, एक जो प्रोफेशनल है और दूसरे जो स्ट्रगलर्स, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये बेचारा तो स्ट्रगलर है, ये बेचारा तो स्ट्रगल कर रहा है। वो बेचारा और स्ट्रगल वर्ड हमारे साथ क्यों यूज हुआ? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल ना होकर स्ट्रगलर है। क्यों है हम लोग स्ट्रगलर्स? सिर्फ एक रीजन, ट्रेनिंग्स। अगर इस बिजनेस में आने के बाद आपने इस बिजनेस को करना नहीं सीखा, तो फिर आप बस ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं। और इस बिजनेस के अंदर जो आपके काम करने का तरीका होगा, वो बहुत ही एवरेज तरीका होगा। बट कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स अगर आपने ले ली और उन ट्रेनिंग्स को अगर आपने कमांड कर लिया, उन ट्रेनिंग्स को आपने, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि किसी जड़ी बूटी को घोट कर पी लेना, आत्मसात कर लिया अगर, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस बिजनेस के अंदर काम करना। मैं यहाँ पर मैं चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ऑन कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा सेशन हम लोगों के लिए इंटरेक्टिव सेशन है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको क्लोजिंग में दिक्कत आती है कि सर मीटिंग तो मैंने कर दी, मीटिंग तो हमने कर दी, लेकिन मीटिंग करने के बाद उस मीटिंग को क्लोज करने में दिक्कत आती है? चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग टाइप कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं कि कितने लोगों को ये चैलेंज आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्चुअल में ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ मीटिंग होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, उनसे ऑर्डर कैसे मांगे, उनको ऑर्डर के लिए कैसे बोले, कैसे बोले उनको आईडी एक्टिवेट करा लीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैंड रेज एक साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है, यस यस यस। मैं सब लोगों से एक इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहता हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर ये अगले 45 मिनट, 50 मिनट आपने अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े के साथ अपना 100% कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर रखा, तो आज इस सेशन के खत्म होने से पहले पहले आप क्लोजिंग के मास्टर बनकर जाएंगे। यकीन मानिए, कभी भी आपके सामने चैलेंज नहीं आएगा कि मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे ऑर्डर लेने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोगों के यस आए हैं, अगर मैं बात करूं तो कई सौ से ज्यादा लोगों के यस आ चुके हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम आती है। 50 से ज्यादा लोग अपना हैंड रेज करके बता रहे हैं। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को लेकर कि क्यों हम लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होते। हमेशा हम लोग जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जो खुला हुआ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। एटलीस्ट इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने लोग एक्टिवली इस ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ फ्रेंड्स कि इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्लोजिंग, क्या आप लगते कैसे हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके कपड़ों से, आपके बालों से, आपके जूतों से, आपकी पैंट से, आपके पेन से, आप लगते कैसे हो? हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्लोजिंग कब होती है, तो लोग बोलते हैं कि क्लोजिंग होती है सर जब हम लोग मीटिंग खत्म कर देते हैं, ऑर्डर लेने की जब बारी आती है तब क्लोजिंग होती है। गलतफहमी फ्रेंड्स, 50% क्लोजिंग तभी हो जाती है जब हम लोग अपने घर से उस मीटिंग के लिए निकलते हैं। अगेन माइंड माई वर्ड्स, 50% ट्रेनिंग तभी हो जाती है, क्लोजिंग तभी हो जाती है जब अब हम अपने घर से उस मीटिंग के लिए घर से बाहर कदम रखते हैं। अगर हम लोग अपने माइंड में इस थॉट को लेकर नहीं निकलेंगे,
कि जिस मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ उस मीटिंग को मैं क्लोज करके आऊंगा, वहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आऊंगा, तो यकीन मानिए आपकी वो मीटिंग की क्लोजिंग होगी नहीं। अब आपकी मीटिंग की क्लोजिंग किस बात पे बेस्ड है? हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारी क्लोजिंग बेस्ड है। गलत सोच है फ्रेंड्स। जैसा मैंने बताया आप लगते कैसे हो उसके ऊपर आपकी क्लोजिंग बेस्ड है। लिख लीजिए इस लाइन को। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान वेस्टिज को ज्वाइन करना नहीं चाहता है। सुनने में अटपटा लगेगा फिर भी लिख लीजिए। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करना नहीं चाहता है। वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है और आपके पास उस समस्या का समाधान है जिसका नाम है वेस्टिज। अब उस वेस्टिज को उसके पास लेकर आप जा रहे हैं या वो इंसान आपके पास आ रहा है, तो आप उसके सामने उसकी समस्या का सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास जिसका नाम है वेस्टिज। और वो वेस्टिज ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज हजारों लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, कितने लोग 20-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, कितने लोग लग्जरी कार चला रहे हैं। कैसे हो पाया पॉसिबल? अगेन वो हो पाया कि आप लगते कैसे हो। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, इससे आप अपने आप को जज कर लीजिएगा कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, जब आप मीटिंग देने जाते हो, आप लगते कैसे हैं? आप प्रोफेशनल लगते हैं या आप एवरेज लगते हैं? आप इतना कैजुअल बन के जा रहे हैं कि आपको देख के लग रहा है कि फंकी स्टाइलिश इंसान है, या आपके कपड़ों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बात करने के तरीके से, आपने चेहरे को शेव कर रखा है या नहीं, आपके बाल ठीक से ट्रिम है या नहीं, अगर आप बीइंग ए फीमेल हैं तो आपने अपना मेकअप ठीक से मेंटेन किया हुआ है या नहीं, आपके कपड़े गंदे तो नहीं है, आपके जूते गंदे तो नहीं है, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं कि आप लगते कैसे हो। अगेन इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी कंपनी को नहीं जानता। आप अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटर हैं। 3,500 करोड़ का एम्पायर है आज वेस्टिज। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतनी बड़ी कंपनी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आप प्रेजेंट करते हैं एक कैजुअल अप्रोच के साथ या आप अप्रोच करते हैं प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई टीम लीडर, मेरा कोई डाउनलाइन रात को 2 बजे मुझे फोन करके बोले कि दीपक सर मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा, लगता हार्ट अटैक हो गया है। और मैं उसको फोन करके बोलूं चिंता मत कर मैं तेरा अपलाइन हूँ, एक काम कर जल्दी से मेरे घर आ जा, मैं तेरे अभी हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मैं एक अच्छा योगा ट्रेनर हूँ, मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ, बट मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ जो उसके हार्ट का इलाज कर दूंगा। उसके लिए एक हार्ट एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपना बिजनेस लोगों के पास लेकर जाते हो तो आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके पास लेकर जाते हो। और कोई भी इंसान, अगेन जब कोई भी इंसान एक एवरेज इंसान से दोस्ती तक नहीं करना चाहता, तो एक एवरेज इंसान के साथ वो इंसान बिजनेस कैसे ज्वाइन कर लेगा? तो सबसे पहले आपके बिजनेस की 50% क्लोजिंग डिपेंड करती है आप लगते कैसे हो। आप गोरे हैं, काले हैं, आप लंबे हैं, आप नाटे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, फर्क नहीं पड़ता। वो जो आपकी बॉडी है वो भगवान ने बनाई है। फर्क ये पड़ता कि आपने अपने आप को मेंटेन किया कैसे किया हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने जैकेट डाल रखी है तो जैकेट जारा की होनी चाहिए, गुची अरमानी की होनी चाहिए। वो एक 300-400 रुपए की जैकेट भी हो सकती है, लेकिन वो जैकेट क्लीन है या नहीं, वो जैकेट प्रोफेशनल लग रही है या नहीं, आपने जो पैंट पहनी हुई है, आपने जो शूज पहने हुए हैं, आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, 50% क्लोजिंग आपकी यहाँ पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स। तो आज के बाद जब हम फील्ड में मीटिंग्स के लिए जाएं तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आप लगते कैसे हैं। आपकी आधी क्लोजिंग यही हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन। बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन। इस दुनिया के अंदर एक सेल्समैन को घर पर अगर कोई एक सेल्समैन आता है तो लोग खड़ से इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक कंसल्टेंट आता है, जरूरी नहीं है कंसल्टेंट एक डॉक्टर ही हो। कई बार हम लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मतलब मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स का डॉक्टर हूं। नहीं फ्रेंड्स, एक कंसल्टेंट करियर काउंसलर हो सकता है, एक कंसल्टेंट आपका फाइनेंस काउंसलर हो सकता है, किसी भी फील्ड का वो कंसल्टेंट हो सकता है। और हमेशा याद रखिए, एक कंसल्टेंट के पास लोग हमेशा सलाह लेने के लिए आते हैं, जबकि एक सेल्समैन को देखकर लोग उससे दूर भागते हैं। एक सेल्समैन को देख के लोगों के माइंड में एक थॉट आता, पता नहीं क्या माल हमें बेचने आया है, लेकिन एक कंसल्टेंट को इज्जत के साथ बिठाते हैं, उससे बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है हमारी जो भी लाइफ में समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का समाधान इस इंसान के पास हो। तो बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन। अब आपको मैं बताता हूं कि हम लोग गलती कहां पर करते हैं।
आज के बाद जब भी किसी भी मीटिंग के लिए जाएं, एक्स वाई जेड कोई भी मीटिंग है, वो आपका डायरेक्ट अप्रोच है, आपके डाउनलाइन का कोई प्रोस्पेक्ट है, आपका कोई डाउनलाइन के डाउनलाइन का गेस्ट है, आज के बाद आपको उसके साथ बिहेव कैसे करना है, उससे बात कीजिए। एक लाइन बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फाइंड अ कॉमन फैक्टर। उससे बात करते हुए कोई कॉमन फैक्टर ढूंढिए। वो कॉमन फैक्टर हो सकता है कि आप उसके साथ निकाल सकते हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपने क्या स्टडी की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या जॉब करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है। किसी भी तरह से उसके साथ एक कॉमन फैक्टर निकालिए, जिससे कि बात करने में आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। जब वो कंफर्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको बिहेव करना है कंसल्टेंट की तरह, एक सेल्समैन की तरह नहीं। कैसे, आइए बताता हूँ। एक कंसल्टेंट और सेल्समैन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सेल्समैन जाता है, अपना सामान बेचता और वापस आ जाता है, लेकिन कंसल्टेंट क्या करता है, वो सबसे पहले पूछता है। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचते ही डॉक्टर को आपने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, और तुरंत डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के भेज दे। वो आपका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करता फ्रेंड्स, वो आपसे पूछता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आप पूछिए, उसकी समस्या पूछिए, उसके बारे में जानिए, पूछिए उससे। एक कंसल्टेंट का काम होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है कंसल्टेंट की, आस्क, उससे पूछिए। पूछने के बाद डायग्नोस कीजिए उसकी समस्या क्या है। वो फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है, वो टाइम क्रंच के अंदर है, वो फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर क्रंच में, किस चीज का क्रंच है उसका। देन उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दीजिए, और ट्रीटमेंट का नाम जैसे आप जानते हैं वेस्टिज, वेस्टिज का बिजनेस प्लान। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम उससे कुछ नहीं पूछते, हम उसको कोई डायग्नोस नहीं करते, हम सीधे ट्रीटमेंट बता देते हैं। फ्रेंड्स, अगर सीधे किसी को अमृत भी दे दिया जाए तो नहीं पिएगा, उसमें भी उसको डाउट लगेगा, पता नहीं क्या दे दिया गया। लेकिन एक छोटी सी 2 रुपए की टैबलेट भी कई बार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर जाती है। तो आपको बिहेव करना है एक कंसल्टेंट की तरह। टेप रिकॉर्डर नहीं बनना है, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। गए जाते प्लान खोला, बुक खोली, ये मिस्टर गौतम बाली सर है, ये वेस्टीज है, ये हमारे प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस प्लान बताओ कैसे लगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो आज के बाद जब आप मीटिंग करने जाएं, तो उस मीटिंग की 30%, जैसे मैंने आप बताया कि 50% क्लोजिंग हो जाती है तब कि आप लगते कैसे हो, उसके बाद 10-15% की क्लोजिंग आपकी यहीं पर हो जाती है। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मीटिंग खत्म होने के बाद क्लोजिंग होती है। नहीं फ्रेंड्स, जब आप घर से निकले तभी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, जब आपने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया तब क्लोजिंग हो चुकी है। इसको बोला जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। हमें क्लोजिंग को ऐसे नहीं करना, हमें क्लोजिंग को ऐसे करना है। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बिजनेस को ऐसे एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आकर मेरी क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे चलते हैं, अब यहाँ से उन रास्तों को मिलाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। आइए आपका एक काम और आसान कर देता हूँ। आज के बाद एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इस लाइन को रट लीजिए, इस लाइन को अपने दिमाग में छाप लीजिए, जिसका नाम है व्यवहार में ही व्यापार है। व्यवहार में ही व्यापार है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, जो लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते वो आपके रेगुलर कंज्यूमर 100% बनकर रहेंगे। कब? जब आपका व्यवहार अच्छा है। बट अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं, आप कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स उनके सामने रख दीजिएगा, कितनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दीजिएगा, वो नहीं जुड़ेंगे। आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। आप कई बार मार्केट में जाते हैं, 2 दुकानें हैं, पास पास हैं, दोनों दुकानों पे सेम सामान रखा हुआ, वही मार्केट में बिकने वाला सारा का सारा सामान, दोनों एक ही प्राइस पर बेच रहे हैं, लेकिन एक दुकान के ऊपर इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, और दूसरा बैठ के मक्खियां मार रहा है। क्यों हुआ ऐसा? ना प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस है, ना क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है, ना प्राइसिंग के अंदर डिफरेंस है। एक मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं, उसके बराबर वाले 5 मेडिकल स्टोर खाली पड़े हुए हैं। क्यों हुआ ऐसा? उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपने लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया और वो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो भी वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है। वो आपको कहेंगे कि बिजनेस करने में तो हम लोग कैपेबल नहीं है, बट आपके कहने से हम लोग आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज हमेशा आप एक अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आप उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रहे हैं, आप उनको 30 बता रहे हैं आप उनको कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना कैशबैक मिलेगा, कितने फ्री प्लस मिलेंगे, 5वें महीने सामान फ्री मिलेगा, 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी के साथ मिलेगा, जीएसटी वाला पक्का बिल मिलेगा, अगर आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी लगती है तो वापस दे देना। सब कुछ बताने के बाद आप साथ में उनको ये भी बता रहे हैं कि आपको 5वें महीने सामान फ्री के साथ, 5 महीने के अंदर आपके घर का बजट 50% कम हो जाएगा। बावजूद इसके वो इंसान आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा? क्योंकि उसको आपका शायद व्यवहार पसंद नहीं आया।
तो आज के बाद थोड़ा सोशल बनिए, अपना व्यवहार बनाइए। इस 135 करोड़ के देश में अगर आपके पास 20 से 30 अपने पर्सनल कंज्यूमर्स नहीं है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको अपना व्यवहार ठीक करने की जरूरत है। एक बहुत ही बिजनेस की लाइन है जिसको बोला जाता है व्यवहार में व्यापार है। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज जिसको बोला जाता है पॉज बिफोर रिप्लाई एंड बी अ गुड लिसनर। हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, हम लोग अगले इंसान के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, हम लोग वहां पर जाकर बिहेव करते हैं एक टेप रिकॉर्डर की तरह, एक टीवी की तरह। हम ही हम बोलते जा रहे हैं, हम ही हम सब कुछ बताते जा रहे हैं, अगले इंसान से हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, कन्वर्सेशन नहीं कर रहे। उसका ड्रॉबैक क्या होता है? उसका ड्रॉबैक ये होता है कि उस इंसान को ये लगता है कि वो सामने बैठ कर टीवी पर किसी लीडर को बोलते हुए सुन रहा है, क्योंकि हम तो उसकी सुन ही नहीं रहे ना। उसमें हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये एक लाइन है फ्रेंड्स, पोज बिफोर रिप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपके सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है, तो पहले उसकी पूरी बात को सुनिए, 1 से 2 सेकंड का पोज दीजिए, फिर रिस्पॉन्स कीजिए, एक्चुअल में अंडरस्टैंड कीजिए बोलना क्या चाह रहा है। कई बार हम लोग इतने इंपेशेंट होते हैं, हमें लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बहुत कमाल की, हमारे हमें तो सारे सवालों के जवाब रटे हुए हैं, तुरंत उसके क्वेश्चन पूरा करने से पहले हम आंसर दे देते हैं। नहीं, पॉज बिफोर रिप्लाई, बी अ गुड लिसनर। बचपन से हम लोगों को अच्छा बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन एक अच्छा श्रोता नहीं बनाया जाता, उसका ड्रॉबैक हमें यहाँ पे झेलना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोग इस तरह के बिजनेस में जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएगा, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। बट अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं है, तो अगले इंसान के पेन पॉइंट को आप नहीं समझ पाएंगे। जब अगले इंसान के पेन पॉइंट को आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप अपना प्रेजेंटेशन उसके सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ आपका टाइम बचाने वाली टेक्निक, फाइंड योर राइट प्रोस्पेक्ट। ये लाइन आपको बड़ी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बोला जाता है कि सर हमें अपने 3 फीट के दायरे में आने वाले हर इंसान को प्लान बताना है, फिर आप कैसे जज करेंगे? ये तो प्री जजमेंट हो गया। जबकि आप लिस्ट बनाते हो, कहते हैं किसी को प्री जज मत कीजिए, आप तो खुद अपनी बातों को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जब आप लिस्ट बनाते हो बोलते हैं कि बिना किसी को प्री जज किए लिस्ट बनाइए, तो राइट प्रोस्पेक्ट को फाइंड कैसे किया जाएगा? फ्रेंड्स, उसकी एक टेक्निक है, बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आपको उससे 3 चीजें पूछनी है, ये 3 चीजें आपको कंफर्म करनी है, जिसको बोला जाता है MAN, मैन फॉर्मूला। बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिससे कि आप अपना टाइम और पैसा बहुत बचा सकते हैं। ये MAN फॉर्मूला क्या है? मनी, अथॉरिटी एंड नीड। आप एक 18 साल के बच्चे को प्लान दिखा रहे हैं, आप उसको 1.5 घंटे का प्लान दिखा रहे हैं, और 1.5 घंटे का प्लान दिखाने के बाद वो बोलता है कि मैं घर जाके पापा से पूछ के बताऊंगा, तो आपका आना जाना और 1.5 घंटा वेस्ट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि उस इंसान के पास अथॉरिटी तो है ही नहीं डिसीजन लेने की। जब तक आप अपने से कैपेबल इंसान को प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक उस इंसान को प्लान नहीं दिखाएंगे जो डिसीजन मेकर है, तब तक आपका दिखाना बेकार है। M फॉर मनी। उसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपनी दुकान बदलने के लिए मनी है या नहीं, वो पैसा कमाना चाहता है या नहीं, उसकी नीड है या नहीं, इसको बोला जाता है मैन फॉर्मूला। किसी भी इंसान के साथ जब वो बैठे, क्यों बोला जाता बी अ गुड लिसनर, क्यों बोला जाता पॉज बिफोर रिप्लाई, क्यों बोला जाता बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट नॉट लाइक अ सेल्समैन। आपको किसी इंसान को एक बार माल बेच के अगर वापस नहीं आना है, आपको उस इंसान को अपने साथ बिजनेस के अंदर इनरोल करना है। जब आपको उस इंसान को बिजनेस के अंदर अपने साथ इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है उसके साथ कम्युनिकेट करना। उसके साथ कम्युनिकेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए राइट प्रोस्पेक्ट है या नहीं, उसके पास मनी है या नहीं, उसके पास अथॉरिटी है या नहीं, उसके पास नीड है या नहीं। अगर ये 3 चीजें आपको किसी इंसान के अंदर नहीं मिलती, तो आप उसको सिर्फ अपना कंज्यूमर बनाकर छोड़ सकते हैं। अगर वो कहता कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, वाइफ से पूछ कर बताऊंगा, या हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, या पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी, तो आस्क देम कि इज इट पॉसिबल कि हम लोग आपकी फैमिली के साथ बैठकर ये मीटिंग कर पाए। क्योंकि अगर हम लोग आपकी फैमिली के साथ बैठकर अगर ये मीटिंग कर पाए, तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे लिए राइट प्रोस्पेक्ट है या नहीं। आइए स्लाइड पर आगे चलते हैं, आपके लिए एक आसान काम और कर देता हूं मैं। इस आसान काम का नाम है क्लोजिंग टेक्निक्स। क्या होती है क्लोजिंग टेक्निक्स? कई बार हम लोग कहते हैं कि सर बातें तो ये बड़ी अच्छी होगी, लेकिन क्लोजिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? आइए मैं आपको अगली दो स्लाइड्स के अंदर आपको मैक्सिमम चीजों को क्लोज करना सिखाता हूँ कि क्लोजिंग टेक्निक्स होती क्या है। सबसे पहले जब आप अगले इंसान से बात करना स्टार्ट करें, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें, तो फाइंड द पर्पज। हमेशा पर्पज फाइंड कीजिए। अगले इंसान से क्वेश्चन पूछिए उस इंसान से
कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। पूछे उस इंसान से, आप वो जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो कितने सालों से कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कितने सालों से कर रहे हैं। पूछे उस इंसान से कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी जॉब के ऊपर। पूछे उस इंसान से कि कितने सालों से जॉब कर रहे हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, फैमिली में कौन कौन है। बहुत हद तक आपकी क्लोजिंग का काम यहाँ पर आसान हो जाएगा जब आप उस इंसान से बातें करके पर्पज फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं समझाइए, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए आप एक किसी इंसान को प्लान दे रहे हैं जिसकी महीने की सैलरी है 30,000 रुपए, उसकी उम्र है 30 से 35 साल के बीच, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और उसके दो बच्चे हैं। आप उससे जब बातें कर रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, और वो बोलता है कि बेटी को डॉक्टर बनाना है और बेटे को इंजीनियर बनाना है। उसकी सैलरी 30,000, दिल्ली एनसीआर में किराए के घर में रहता है। बातों बातों में पूछिए सर, आप बुरा ना माने तो आपसे पूछू कि इस 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी में आप ये दोनों चीजें कैसे कर पाएंगे। उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन आपको एक रीजन मिल जाएगा उसका हार्ट बटन पकड़ने का, आपको एक रीजन मिल जाएगा उस इंसान को एक अपॉर्चुनिटी देने का, आपको एक रीजन मिल जाएगा सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपने बेटे को इंजीनियर, बेटी को डॉक्टर बना सकते हैं और काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप उससे पूछेंगे, उससे क्वेश्चंस कीजिए, उससे उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछिए। अगेन, अगर आप एक सेल्समैन की तरह बिहेव करेंगे तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कैसे 30 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी का मुझे ऑर्डर दे दे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप डर डर के हेजिटेशन के साथ बात करेंगे। बट अगर आप एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, आप उससे क्वेश्चंस करेंगे, आप उससे पूछेंगे, तो आप एक कंसल्टेंट की तरह जब बिहेव करेंगे तो आपकी बातों को सीरियस लेगा, आपको सीरियस लेगा और आपके सवालों के जवाब देगा। एंड अगेन गिव देम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का नाम है फ्रेंड्स वेस्टेज। आपको राइट टेस्टिमोनियल्स रटी हुई होनी चाहिए, आपको उसको ऑन द स्पॉट उसको कनेक्ट कराना है, कन्विंस नहीं करना, उसको कनेक्ट कराना है उन लोगों के साथ जो लोग उसी की फील्ड से हैं और वो लोग वेस्टेज के अंदर काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। फोकस कीजिए, वो चाहते क्या है। जब आपने उनका पर्पज फाइंड आउट किया, आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस के बाद फाइंड आउट कीजिए कि उनका फोकस वो चाहते क्या लाइफ में। हो सकता है अगले इंसान की प्रायोरिटी पैसा हो ही ना, हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी महीने के लाख रुपए इनकम आ रही हो लेकिन उसके पास नेम फेम नहीं है। हो सकता है उसका राइट पर्पज एक घर हो जिसको वो अपने तरीके से बनाना चाहता, सजाना चाहता। लेकिन कब पता चलेगा? जब पता चलेगा जब आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस के बाद जब आप उनको सॉल्यूशन देंगे, और सॉल्यूशन का नाम है वेस्टेज। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए? तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप उनको राइट टेस्टिमोनियल्स दे पाएंगे। लॉस ऑफ डिले, नेटवर्क मार्केटिंग की एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है फ्रेंड, जिसका नाम है लॉस ऑफ डिले। एक फॉर्मूला है जो आप बता सकते हैं कि अगर आज आप ज्वाइन होते हैं, आप इस 135 करोड़ के देश में रोज 20,000 लोग ज्वाइन होते हैं, जो आपको पड़ोसी है वो किसी और का रिश्तेदार भी है, जो आपके कजन्स हैं वो किसी और के कजन्स भी हैं, आपके घर के नीचे रहने वाला किसी ऑफिस में काम करता है, को आप नहीं बताएंगे कोई ना कोई तो उनको बताएगा। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है उनके लिए कि मान लीजिए आज आप ए पर ज्वाइन करते हैं और आप टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, या बी पर ज्वाइन करते हैं, सी पर ज्वाइन करते हैं। अगर सी पर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास टीम साइज है 1,000 लोगों का, बी पर ज्वाइन करते हैं तो 2,000 लोगों का, और अगर आज आप ज्वाइन करते हैं 1,000 होता आपका टीम साइज आज से 4 साल 5 साल बाद, तो आप कहाँ ज्वाइन होना चाहेंगे? डेफिनेटली हर इंसान चाहेगा कि वो टॉप पर आए, लेकिन उस पर आने के लिए आप उसको अगर समझाते हो, बता रहे हैं कि अगर आज आप ज्वाइन करते हैं और आपका टीम साइज इतना जाता है तो आपकी इनकम है वो 5 लाख हो सकती है, 2.5 लाख या 1 लाख, आप कहाँ ज्वाइन होना चाहेंगे? पूछिए अगले इंसान से क्वेश्चन, उसके पास उस सवाल का जवाब होगा, डेफिनेटली मैं टॉप पर आना चाहूंगा। तो वहां पर आपको उनको समझाना है कि सर इस बिजनेस में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो काम करने में समय नहीं लगाते हैं, वो डिसीजन लेने में समय लगाते हैं। तो जितना आप डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे उतना आपकी इनकम सेक्रीफाइस होती जाएगी। राइट टेस्टिमोनियल्स जो मैंने आपको बात की, कम से कम आपको 100 से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स रटी हुई होनी चाहिए फ्रेंड्स, कम से कम 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हैं जिसकी उम्र है 18, 19, 20, 22, 24, 25 साल, तो कम से कम 20 स्टूडेंट्स के नाम या 20 यंगस्टर्स के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए कि हाँ अगर आपको उनको उनके साथ कोरिलेट कराना है। एक 20 साल के लड़के को अगर आप बता रहे हैं कि रमेश पनानी जी 75 साल की उम्र में वेस्टी से 35 लाख रुपए कमा रहे हो, कोरिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक 20-22 साल के लड़के को आप अगर बता रहे हैं कि शिवम गोस्वामी, अजीम अंसारी, डीके धीमन, दिनेश कर्णम, तरुण कनौजिया, खुशाल शर्मा, अभिषेक दुआ, सबीर अहमद, आनंद मिश्रा, ये सारे लोग 18, 20, 22, 24 साल के, लेकिन आज वेस्टी से महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं,
वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा। आप एक फीमेल को प्लान दिखाते हुए बता रहे हैं कि मोहम्मद मोइन अनपढ़ टेलर मास्टर है, बावजूद उसके भी वो आज वेस्टी से 8 लाख 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो रिलेटेड महसूस नहीं करेंगे। बट अगर आप उनको बता रहे हैं फीमेल्स को, दीपाली पत्रावाला मैम, हेतल मैम, आपकी इंदु त्यागी मैम, या फिर पूर्णिमा सिंह, सुरभि सिंह, ये सारी फीमेल्स वेस्टीज के अंदर आज महीने का 2-4 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए तक कमा रही हैं, तो कनेक्टेड फील करेंगे। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर वाले को अगर एग्जांपल दे रहे हैं स्टूडेंट का, उनको समझ में नहीं आएगा। बट गवर्नमेंट सेक्टर वालों को अगर आप बता रहे हैं कि हमारे पास मिस्टर आर एस राजन जी हैं जो बीएचएल से रिटायर्ड है, सीए का एग्जांपल देते हैं रमेश पुनानी जी, आप किसी इंजीनियर को प्लान बता रहे हैं तो आपको नाम रटे हुए होने चाहिए कि हमारे पास इंजीनियर्स के नाम पर सतपाल अदाना सर हैं, विशाल शर्मा सर हैं, दुष्यंत खन्ना सर है। या एमबीए को अगर आप प्लान बता रहे हैं तो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि हमारे पास मयूर चौधरी है, हमारे पास हर्षद त्रिवेदी है, हमारे पास अजय चड्डा है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, ताकि आप अगले इंसान को कनेक्ट करा पाए, कन्वेंस नहीं। कन्वेंस होके वो जाएगा घर जाके भूल जाएगा, बट अगर आपने उसको कनेक्ट करा दिया तो सोचने पर काम करने में मजबूर हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ 4 मैजिकल क्वेश्चंस, हाँ भरवा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन पूछने के बाद मेरी गारंटी आपसे, अगर ये 4 क्वेश्चन आपने उस इंसान से सही तरीके से पूछ लिए तो आपको उससे ऑर्डर के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। आई गारंटी यू, अगर इन 4 क्वेश्चंस को नेटो मार्केटिंग के अंदर अगर आपने इन 4 क्वेश्चंस को तरीके से पूछ लिया, सीक्वेंस में पूछ लिया, तो आपको उस अगले इंसान से ऑर्डर के लिए नहीं पूछना पड़ेगा। आपकी उसके साथ जो डिस्कशन होगी वो बिजनेस को लेकर होगी। कौन से 4 क्वेश्चंस प्लान देने के बाद आप उस इंसान से पूछते हैं, अगर हाउ मच डू यू वॉन्ट टू अर्न इन पार्ट टाइम फ्रॉम वेस्टेज, ये प्लान के बाद का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसको बोला जाता है क्लोजिंग मैजिकल क्वेश्चंस, कि वेस्टीज से पार्ट टाइम में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा लॉजिकल रखिएगा। कई बार आपको इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसे लोग मिलेंगे तनख्वाह है 20-30 हजार रुपए, और उनका आंसर आएगा अगर लाख रुपए कमाने लग जाए तो। मुस्कुराते उनसे क्वेश्चन पूछेगा, सर 20 साल की नौकरी में आज तक 20 हजार तक नहीं पहुंचे, पार्ट टाइम में लाख रुपए आने लग जाए तभी वेस्टीज फुल टाइम करेंगे। सर लॉजिकल आंसर दीजिए, जितनी आपकी सैलरी अलग वो उसके 50-60% तक अगर बात करें तो रिलेटेबल है। अगेन बिहेव लाइक ए कंसल्टेंट, कई बार अगले इंसान के क्वेश्चन से हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं, हमें लगता है कि अभी उठ के ना चला जाए, मनाना कर दे, हमारे साथ ज्वाइन होने से मनाना कर दे। नहीं, बिहेव लाइक ए कंसल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी सैलरी है 40 हजार रुपए और वो बोलता है कि अगर पार्ट टाइम में मुझे 20 हजार रुपए आने लग जाए आई विल बी मोर हैप्पी। अगेन अब उससे दूसरा क्वेश्चन पूछिए, How much time you can spare per day for part-time work? अगर आप चाहते हैं कि आप पार्ट टाइम में महीने का 15-20-30 हजार रुपए कमाने लग जाए तो पर डे कितने घंटे आप रोज निकाल सकते हैं। आप उससे नहीं कह रहे कि रोज 1-2 घंटा निकाल लेंगे, तो आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप एसटी से आप पार्ट टाइम में 20-30 हजार रुपए रोज कमाना चाहते, महीने का कमाना चाहते हैं, तो पर डे आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हैं काम करने के लिए। अगेन यू आर अ कंसल्टेंट, आप उसको महीने की 20-30-40 हजार रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो पूछेंगे भी क्वेश्चन आप ही कि कितना टाइम वो रोज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लोग आपको आंसर करेंगे 2-3 घंटे, शाम को 7 बजे ऑफिस से आता हूँ उसके बाद, और उसके बाद साथ में उनसे क्वेश्चन पूछिए और छुट्टी वाले दिन मैक्सिमम टाइम देंगे मुझे। वहां पे आप उसको बोलिए कि सर खुद देखिएगा आप कि एक ब्रेड बटर की नौकरी के लिए जो आप 9 to 6 करते हैं, 9 to 7 करते हैं, आप पूरा महीना काम करते हैं रोज 10-12 घंटे 30-40 हजार रुपए के लिए, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ रोज के 2 घंटे निकाल रहे हैं, स्टिल आई विल हेल्प यू। अब तीसरा क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम यू वांट टू गेट पेड फ्रॉम वेस्टेज, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है कि कितने टाइम में आप चाहते हैं कि ये 20-30-40 हजार रुपए आपको पार्ट टाइम में वेस्टेज से आने लग जाए रोज 2-3 घंटे देने के बाद। ये 2-3 घंटे अगर पार्ट टाइम की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम होगा, पार्ट टाइम में टाइम पास नहीं होगा। आप हर क्वेश्चन पर उससे हाँ भरवाते हुए चल रहे हैं, आप हर क्वेश्चन पर उससे हाँ भरवाते हुए चल रहे हैं, आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या प्लीज आप 2 घंटे रोज निकाल लेंगे, क्या आप छुट्टी वाले दिन मुझे टाइम दे। नहीं, आप हाँ उसी से भरवा रहे हैं कि अगर आप महीने का 20-30-40 हजार रुपए कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम में कितने घंटे निकाल सकते हैं और कितने दिन में, कितने महीने में आप चाहते हैं कि इनकम आपको आने लग जाए। यूजली इंसान आपको आंसर देगा 3 months, 4 months, 6 months, 8 months, उसको बोले डन सर। अब फोर्थ बट लास्ट क्वेश्चन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ आई हेल्प यू टू अर्न योर डिजायर्ड इनकम विद इन सम मंथ्स, विल यू हेल्प मी टू अर्न दैट अमाउंट? अगर मैं आपकी मदद करता हूं, जितना पैसा आपने बोला उतना पैसा आपको कमाने में, क्या पूरी ईमानदारी के साथ मेरी मेहनत, मेरे साथ मेहनत करेंगे वो पैसा कमाने में? अगेन, कि अगर मैं आपकी मदद करता हूं, जितना पैसा आपने बोला उतना पैसा आपको कमाने में, तो क्या पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मेरी मदद करेंगे वो पैसा कमाने में? उसका रिप्लाई आएगा, डेफिनेटली अगर पैसा आने लग जाएगा तो क्यों नहीं. माइंड माई वर्ड्स, क्या इस पूरे प्रकरण में, क्या इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी बात हुई सर आप ऑर्डर कितने का देंगे? नहीं, इस पूरे प्रोसेस में आप बिहेव कर रहे हैं कंसल्टेंट की तरह. यहाँ पर ये बात ही नहीं हो रही कि 3,000 रुपये का सामान लेंगे या 5,000 रुपये का सामान लेंगे. जब आप उसको प्लान बता रहे हैं, जब आप उसको कंसिस्टेंसी बता रहे हैं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 100 PV से कम की ज्वाइनिंग नहीं होगी. और 100 PV से कम की ज्वाइनिंग पर जैसे दीपक सूद सर बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द रियल बिजनेस. अगर वेस्टिज के अंदर आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते हैं, आज बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं कि मैं कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं कर पाया. एसपी वारिस सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप शीशे घर में रहते हैं फ्रेंड्स. अगर आपने अपना बिल, अगर आपने अपना 100 PV का बिल अपने फोटो के साथ आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं लगाया, अपने ग्रुप्स के अंदर नहीं शेयर किया है, तो आपकी पूरी डाउनलाइन जानते हैं कि आज आपने अपने 100 PV का ऑर्डर नहीं लगाया है. पूरी की पूरी डाउनलाइन, सारी की सारी आपकी टीम जानती है कि आज आपने अपना 100 PV का ऑर्डर नहीं लगाया है. और इसी हेजिटेशन के चक्कर में, इसी हेजिटेशन के चक्कर में आप अपने किसी डाउनलाइन को कॉल करके बोल भी नहीं पाते. तो गलती आप खुद से ही कर रहे हैं, शुरुआत आपकी खराब खुद से ही हो रही है. तो आपको बिहेव करना जब एक कंसल्टेंट की तरह. अगर आप उस इंसान को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, पिछली स्लाइड पर अगर आप उनके फैमिली में एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट करवा पा रहे हैं, यहाँ पर आप उसको एक सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, तो आप जितने रुपए का कहेंगे वो इंसान उतने रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेगा आपसे, ये गारंटीड है. क्यों? क्योंकि वो सामान तो उसके घर में कहीं ना कहीं से XYZ शॉप से आना ही आना था. आप कंसल्टेंट बनकर गए हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको देने गए. और जब आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको देने गए हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं आएगी कि आप ऑर्डर दोगे या नहीं दोगे. जब वो बोले कल सोच के बताऊंगा, परसों बताऊंगा, अगले महीने बताऊंगा, तब वहां पर उसको लॉस ऑफ डिले दिखाना आपको कि सर बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं तो कल से आप क्या चाहते हैं. पूछिए उस इंसान से, कल से आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर आपको इनकम जनरेट करवाने में टाइम लगाऊं, या कल फिर मैं आपको फोन करके बोलूं कि सर आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर लो. आप क्या चाहेंगे? कल को जब आपकी टीम में लोग जुड़ेंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि वो आपके साथ एसोसिएट होकर बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करें, या उनके पीछे हम लोग फोन करके बोलते रहे कि आप अपनी आईडी एक्टिवेट करा लीजिए? ये सारा डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके एटीट्यूड के ऊपर. थिंग्स टू लर्न, कि इस ट्रेनिंग से, इस सेशन से हमने आज क्या सीखा. सबसे पहली चीज, बी प्रोफेशनल. एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज से, कपड़ों से, अपने पैसे, अपनी डायरी से, अपने चेहरे से, हर चीज से बी प्रोफेशनल. कहीं से भी आप एवरेज नहीं लगने चाहिए, अनप्रोफेशनल नहीं लगने चाहिए. आपको अपने पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान बिहेव करना लाइक ए कंसल्टेंट, नॉट लाइक ए सेल्समैन. अगले इंसान को फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको अपना कोई प्रोडक्ट बेचने आए हैं, कोई माल बेचने आए हैं. प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट जाएगा फ्रेंड्स, जब आप कंसल्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो आप उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं. बी अ गुड लिसनर. जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, आप उसकी बीमारी नहीं समझ पाएंगे कि उसको बीमारी क्या है. जब आप उसकी बीमारी नहीं समझ पाएंगे तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे. पॉज बिफोर रिप्लाई. किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले पॉज लेना सीखे. जब आप पॉज लेना सीख जाते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं. अगेन, फाइंड द पर्पज व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चंस एंड गिव द सॉल्यूशन. उनसे कम्युनिकेट करते हुए, उनसे बात करते हुए जो एक्चुअल पर्पज है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. जब आपको पर्पज मिल जाएगा, हमारे बिजनेस में उसको नाम दिया जाता है PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर. जब आपको पर्पज मिल जाएगा, जब आपको PMF मिल जाएगा कि इंसान एक्चुअल में चाहता क्या है, तो आपको अपना बिजनेस उसके सामने रखना बहुत आसान हो जाएगा. आज के बाद जब भी मीटिंग्स के लिए जाएं या कोई भी सौदा प्लान करने के लिए जाएं, तो ये माइंड में थॉट रख के मत जाइएगा इसको मुझे 30 PV, 60 PV, 100 PV का सामान देकर आना है. उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर आना है. प्लस बाय डिफॉल्ट जाएंगे आपके. लॉस ऑफ डिले एंड राइट टेस्टिमोनियल्स. हम में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं. आज सुबह मैं कुछ लीडर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा था जूम सेशन के ऊपर. मैंने उनसे पूछने की कोशिश की टेस्टिमोनियल्स.
उनको पता ही नहीं, आप बिजनेस के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल से हैं और आपके पास राइट टेस्टिमोनियल्स नहीं है, हर जगह पर सिद्धार्थ सर नहीं चलेंगे, हर जगह पर मोहम्मद मोइन सर नहीं चलेंगे, हर जगह पर दीपाली पत्रावाला मैम नहीं चलेंगी, गिनती के रटे हुए टेस्टिमोनियल्स नहीं चलेंगे फ्रेंड्स, हर जगह वो टेस्टिमोनियल्स चलेंगे जो अगले इंसान को कनेक्टेड फील कराएं। हमारे पास हमारी कार बुक है, हमारे पास यूट्यूब है, फाइंड आउट कीजिए, लिस्ट बनाइए, आपके पास कम से कम 100 टेस्टिमोनियल्स, कार बुक के अंदर जितने फोटोग्राफ्स नहीं है उससे ज्यादा टेस्टिमोनियल्स मैंने रट रखे हैं कि जिससे मैं बात कर रहा हूं तो उनसे रिलेटेड ही सारे के सारे मैं उनको एग्जांपल्स दे पाऊं जिससे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट फॉर मैजिकल क्वेश्चंस, ये 4 चमत्कारी सवाल आपको जरूर पूछने हैं उनसे। जब आप चमत्कारी सवाल उनसे पूछ रहे होते हैं तो यकीन मानिएगा आप एक कंसल्टेंट है, आप उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और वो सामने से हाँ भर रहा है, जबकि अक्सर होता है हमारी मीटिंग्स में हम लोग उल्टा करते हैं इसमें। सो ये थी हमारी क्लोजिंग टेक्निक्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। चैट बॉक्स आपके पास खुला हुआ है जिसमें आप अपने व्यूज भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं। विशाल सर या सतपाल सर मुझे सुन रहे हैं सर? सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लोजिंग सेशंस। विद परमिशन मैं अभी अपने सीनियर से परमिशन ले लेते हैं कि फॉलोअप टेक्निक्स की ट्रेनिंग भी हमें आज ही आगे कंटिन्यू करनी है या हम लोग आज अपने ट्रेनिंग सेशन को यहीं पर विराम दें। चैट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ फ्रेंड्स, आप अपने थॉट्स अपने विचार बता सकते हैं कि आज की ट्रेनिंग आप लोगों को कैसी लगी, कुछ चीजें जो आप लोग जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ। दीपक जी बहुत ही अच्छा सेशन, एंड मैं आपको वापस से एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपकी जो डिलीवरी स्टाइल होती है बहुत ही बेहतरीन स्टाइल आपकी रहती है, बिल्कुल सटीक जवाब, और इनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो वाकई में क्लोजिंग के अंदर रिजल्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वो है क्लोजिंग, कि वो जो सामने व्यक्ति है जिससे हम अपनी बातचीत कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, अगर सही दिशा में काम करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। तो वंस अगेन वेल डन दीपक जी, एंड आपसे आगे और भी इस तरीके से और भी आपके सेशंस हम लोग कंडक्ट कराएंगे। एंड टीम 30 Days 30 Hours जो फाउंडेशन प्रोग्राम आप लोग सीख रहे हैं, कल फाउंडेशन डे 1 था जिसमें सतपाल अधाना जी ने हमें सिखाया, आज फाउंडेशन डे 2 है जिसमें हम लोगों ने क्लोजिंग टेक्निक सीखी। लगातार हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा, लगातार बने रहें इसके अंदर सेशन के अंदर, अपनी टीम को भी लेके आते रहे। मैं सतपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सतपाल जी अगर सुन रहे हैं और सतपाल जी कुछ शेयर करना चाहें। सतपाल जी ओवर टू यू। यस विशाल जी, मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि सी क्लोजिंग जो है या क्लोजिंग जो टेक्निक है ये हर बिजनेस की एक पहचान है। हर बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जो है एंड रिजल्ट तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। व्हाटएवर वी डू इट शुड रियली सॉल्व द पर्पस ऑफ गोइंग देयर, चाहे आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वेस्टिज के बारे में बता रहे हैं। सो दीपक जी यू आर ऑलवेज ऑसम इन योर प्रेजेंटेशन, आपने बहुत अच्छी तरह से चीजों को क्लोज करके चीजों को शेयर किया। और मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा विशाल सर कि धीरे धीरे ये जो लर्निंग है हमारी, आज काफी लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा हो या ना हो, बट कुछ चीजें प्रेजेंटेशन की ऐसी हैं जो आज हो सकता है कि आपको कुछ और तरह से समझ आ रहा हो, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे ये एक ना पहाड़ी रास्ते की तरह बिजनेस है। आज जो बात कही जा रही है हो सकता है वो कहता है लो इसका इसका क्या मान्य है, इसको मैं क्यों करूं, लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तो आगे का रास्ता समझ में आएगा। तो ये क्लोजिंग करने के तरीके, ड्रेसअप क्यों बेहतर हो और इनमें और कैसे आप चीजों को बेहतर कर सकें, सो लगातार आप लोग आते रहिए, लगातार चीजों को परोसते रहिए। We will together do a really big business and कल हमारी क्राउन मीट है सेक्टर 51 के अंदर, तो जितने भी लोग हैं जो दिल्ली NCR से हैं आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाइम से आइएगा, सिस्टम यूनिफॉर्म में सभी को आना है। एंड 30 Days फाउंडेशन प्रोग्राम पे कल हमारा और इस पे विश्लेषण है, इस पे और कुछ प्लान कर रहे हैं, सो वी विल डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स टू अवर पीपल। और थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच विशाल जी, आप निरंतर इस 30 Days 30 Hours फाउंडेशन प्रोग्राम को की नींव को बरकरार रखे हुए हैं,
और बाकी लोग आपके साथ संलग्न हैं. थैंक यू सो मच दीपक, यू ऑलवेज ऑन टोज एंड ऑन योर टॉपिक. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आगे बढ़ेंगे, खूब खूब सारी चीजें अभी अचीव करने के लिए इस वर्ष के अंदर. थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दीपक. थैंक यू सर. तो टीम मैं आप सभी के व्याप पे वापस से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, दीपक भारद्वाज जी को, सतपाल अधाना जी को और आप सभी लोगों को, कि आप 30 डेज 30 आवर फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं और लगातार इसको प्रमोट कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर. कल शाम को दोबारा मुलाकात होगी आपसे सेम 8 से 9 बजे के लिंक के ऊपर 30 डेज 30 आवर्स फाउंडेशन प्रोग्राम के एक नए सीरीज में, फाउंडेशन प्रोग्राम डे 3 पे. तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विश यू वेल्थ. थैंक यू सर.